आप लोग एक हफ्ते के लिए इनको मजा चखा दें कि देखो अगर तुम हमें पक्का नहीं करोगे तो हम काम नहीं करेंगे, तुम हमें पक्का नहीं करोगे हम कूड़ा नहीं उठाएंगे। टॉर्चर करा जा रहा है, हमें पक्का नहीं करा जा रहा। मैं तो यही कहती हूँ अगर दिल्ली में तमाम जितने भी कर्मचारी, चाहे वो सीवर साफ कर रहे हो, चाहे वो कूड़ा उठा रहे हो, चाहे वो झाड़ू लगा रहे हो, जितने भी निचले दर्जे के काम है, अगर आप सिर्फ एक हफ्ते बंद कर दें तो आप देखिए कि पूरा दिल्ली कूड़ेदान बन जाएगा। तो इस लिहाज से इज्जतदार तो आप ही, क्योंकि आप कूड़ा हटा रहे हैं, आप समाज में से कूड़ा उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग आपको बहुत ज्यादा हकारत से, बहुत ज्यादा नीचता से देखते हैं कि देखो ये नाली साफ कर रहा है, देखो ये सीवर साफ कर रहा है। और जिस तरह हमें सीवर में उतारते हैं, क्या इन लोगों ने हमारे लिए कोई कंपनसेशन रखा है? जब हमारे भाई हमारी बहनें सीवर में उतर के काम करती हैं और उसकी गैस से मर जाती हैं, क्या कोई बड़ा नेता ट्वीट करता है? क्या सरकार आपको सपोर्ट करती है? क्या सरकार आपको कंपनसेट देती है? नेता 5 साल के लिए आता है लेकिन 75 जन्म का काम करके चला जाता है कि 75 जन्म का उसके पास पैसा आ जाता है। लेकिन आप लोग आज भी मजबूर, गरीब, दलित, पिछड़े हुए हैं। क्यों है? क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, और अगर हम संगठित हैं भी तो हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। ये तो बहुत खुशनसीबी है कि उदित राज सर आपके साथ हैं और आपकी अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं, और आपके लिए पता नहीं कहां कहां जाते हैं, कौन कौन से ये काम नहीं करते कि इस बस्ती में, उस बस्ती में। कल भी हम लोग तमाम के तमाम यहाँ इस तरह द्वारका में जा जाके संगठन खड़ा कर रहे थे, और एक अलग मिशन अलग चल रहा है हमारा पार्लियामेंट को लेकर भी कि वहां भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम आना चाहिए। तो मेरा बस यही कहना है कि आप तमाम लोग बिल्कुल अपने आप को हकीर मत समझिए, कमतर मत समझिए, क्योंकि आप जो हैं वो समाज से गंदगी साफ करते हैं, समाज को गंदगी देते नहीं है। ये जो समाज को गंदगी देते हैं ये आप लोगों को गंदा कहते हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ एकजुट में होकर अगर आप लोग एक हफ्ते के लिए इनको मजा चखा दें कि देखो अगर तुम हमें पक्का नहीं करोगे तो हम काम नहीं करेंगे, तुम हमें पक्का नहीं करोगे हम कूड़ा नहीं उठाएंगे, तुम हमें पक्का नहीं करोगे हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, तुम हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं सोचोगे हम झाड़ू नहीं लगाएंगे। आज एनडीएमसी के स्कूलों के हाल देखिए, केजरीवाल साहब कहते हैं मैंने मॉडल बना दिया। भाई केजरीवाल से पहले तो सवाल आप ये करो, तूने क्या वहां टीचर बदल दिए? 33 साल से टीचर है, वो 30 साल से हरामखोरी कर रहे थे तो एकदम से तूने कोई छड़ी घुमाई वो पढ़ाने लग गए, वो मॉडल अच्छा हो गया? मैं आपको ओखला के स्कूल दिखाती हूँ, मैं आपको तमाम स्कूलों में लेकर चलती हूँ एनडीएमसी के, जहाँ बच्चे फटी हुई दरियों पर बैठते हैं, टूटे हुए फूटे हुए जूते पहनते हैं, और केजरीवाल साहब अपना दिखाते हैं, देखो हमने दिल्ली मॉडल अच्छा कर दिया। बिल्कुल अच्छा नहीं करा, एनडीएमसी में आपके बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर जिस तरह माहौल खराब है, अफीम गांजों का अड्डा बना दिया गया है, ब्लेड बाजी होती है, और हम जब स्कूल में जाकर बात करते हैं तो टीचर कहते हैं हम क्या करें, हमें तो खुद डर लगता है, ये तमाम के तमाम दलितों के पिछड़ों के बच्चे हम इनसे डरते हैं। तो फिर वो केजरीवाल से सवाल यही, वो कौन से स्कूल है केजरीवाल मामू जिन स्कूलों को आपने सही करा है? आप तो दिल्ली के बेटे थे, मामू बनाकर चले गए सबको। तो ये तमाम चीजें जो हमारी छोटे लेवल के स्कूल है वो हमारे लिए, हमारा बच्चा डीपीएस में नहीं जा सकता, हमारा बच्चा बड़े स्कूल में नहीं जा सकता। तो आप तमाम लोग जो है इस वाली बात पर, इस मिशन में साथ दें कि हमें हमारी सुनवाई हो और हमें पक्का करा जाए, जो 500 साल से हमें पक्का नहीं करा जा रहा, हमें पक्का करा जाए।